Hi friends, we're going to start with a chapter called factorization. This chapter has its roots in 11th, 10th and almost all the chapters in the near future. Aage jaake factorization as a chapter nahi aayega. But yeah, the concepts of factorization will definitely be almost there in each and every chapter. तो इसके कॉन्सेप्ट्स शुड बी पावरफुल बिकॉज द टेक्निक्स मेथड्स जो हम लोग ये चैप्टर में यूज करेंगे आर वेरी पावरफुल एंड इट इज रिलेटेबल टू द डिफरेंट टॉपिक्स इन फ्यूचर. फैक्टराइजेशन हम लोग ने 8th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है, सो इट्स अ चैप्टर विच इज नॉट अ न्यू टू यू ऑल, बट यस इट्स अ चैप्टर विच इज वेरी वोलेटाइल. वोलेटाइल मतलब उड़ जाता है. उड़ जाता है मतलब क्या, कि आज पढ़ा कल भूल गए, कल पढ़ा परसों भूल गए. इट नीड्स अ कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस, एक रिविजन चाहिए कॉन्स्टेंट. आप लोग को ये चैप्टर के साथ हाथ मिलाना पड़ेगा वरना भूल जाओगे. आर यू गेटिंग इट? सो फैक्टराइजेशन में अगर तुम लोग को मास्टर करना है, इफ यू वॉन्ट टू बी वेरी गुड एट दिस चैप्टर, मेरे 5-6 जो रूल्स दूंगा वो फॉलो करो. हर एक सम सॉल्व करने के पहले ट्राई टू गो थ्रू द रूल्स कि इसमें कौन सा रूल कौन से सम में अप्लाई कर सकते हैं. सो दैट इज द फर्स्ट थिंग. Second thing is, there are few very 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 dangerous questions जहाँ पे तुम लोग को pure दिमाग लगाना पड़ेगा. Because without the just me explaining will not do any good. You'll have to start thinking. जब मैं सम करूँगा, अरे सर सब आता है. आप सम करते हो तो सब क्लिक होता है. पर जब हम लोग खुद करने बैठते हैं, नहीं होता है. ये ऐसे टाइप का चैप्टर है. That when I will do the sums, you will enjoy. But when you will start solving these sums ना, अटक जाओगे. फिर मुझे गाइड करना पड़ेगा, अरे ऐसा करो. फिर तुम लोग, अरे हाँ यार ये भी हो सकता था, समथिंग लाइक दैट. मतलब यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग, सब समझेगा. बट जब तुम लोग खुद करने बैठोगे ना सम्स, इट विल बी डिफिकल्ट. सो फॉर दैट कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस एट अ टाइम वन एक्सरसाइज, दैट्स इट. सो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर. बिफोर द चैप्टर रूल्स एंड रेगुलेशन. कोई भी सम आने दो, पहले कुछ रूल्स से स्टार्ट करते हैं. हर सम के पहले जब सम देखोगे, एक ही चीज क्लिक होना चाहिए, ट्राई टू टेक आउट कॉमन. सो माय रूल नंबर वन, रूल्स में द फर्स्ट रूल इज ट्राई टू टेक आउट कॉमन. ट्राई टेकिंग आउट कॉमन इफ पॉसिबल. अगर पॉसिबल है तो देन ओनली. सेकेंड, जब भी चार टर्म्स होंगे ना, चार टर्म्स, दो दो के ग्रुप्स बनाओ. फर्स्ट टू लास्ट टू और फर्स्ट थर्ड एंड द सेकंड फोर्थ डिपेंडिंग ऑन सम टू सम. सो व्हेन देयर आर फोर टर्म्स इन द क्वेश्चन, जब चार टर्म्स क्वेश्चन में इन्वॉल्व होंगे, मेक ग्रुप्स ऑफ टू, दो दो के ग्रुप्स बनाओ, याद रखना ये. ऑलराइट. थर्ड, नेम द सेम. जो सेम होता है उसको नाम देने का. कुछ नहीं समझेगा, कोई बात नहीं. ये जो रूल है वो आगे के एक्सरसाइज में आएगा, डोंट वरी एट ऑल. फोर्थ, व्हेन यू सी अ ब्रैकेट, जब भी ब्रैकेट दिखता है, फर्स्ट ओपन द ब्रैकेट. And fifth is a concept, not a rule ideally. Question में a minus b है. This is valid only for a negative term. Question में a minus b है. अगर मुझे इसको b minus a लिखना है, if I want to write this as b minus a, that means I have flipped the content. इसको मैंने flip किया है. बाहर minus sign निकलता है. ये याद रखना. जब भी अंदर के terms को flip मारते हो, a minus will come outside. Another example. Check this. A plus B minus C. Teen terms hai. Agar, under, inside, I want to change the signs. Example, A ka minus A, B ka minus B, minus C ka plus C. Har ek ka under ka sign change hua. Kaise karunga? I can take a minus outside. That means, when you take a minus common,
अंदर के ब्रैकेट का सबका साइन चेंज होता है, ये याद रखना। सो ये पांच रूल्स हैं एज ऑफ नाउ, ये फॉलो करके वी स्टार्ट विथ फ्यू क्वेश्चंस। बिफोर दैट, बिफोर जंपिंग टू द फर्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज द ए एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर ऑफ फैक्टराइजेशन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, आई विल बी वॉन्टिंग टू गिव यू ऑल अ फ्यू फॉर्मूला, लिस्ट ऑफ फॉर्मूला। पहला, ए प्लस बी द होल स्क्वायर should be remembered as a square plus b square plus 2ab. ये fifth या sixth standard से करते आ रहे हो तुम लोग। a minus b the whole square negative a minus b the whole square is a square plus b square minus 2ab. and third one, there are more also, वो आगे देखेंगे। a square minus b square can be written as a plus b a minus b. So remember the set of three formulas to start with and the five rules. We begin with the first exercise, which is going to be your 5a exercise, right? So 5a exercise, kuch sums, there are 20 questions in the exercise. We'll be solving around 15 to 16, right? Starting with the second question straight away. First is pretty simple, khali common lene ka hai. Second se start karte hai. 2 bracket x plus y the whole square, a whole cube, I beg your pardon, minus 6 x plus y. Ye mera question hai. Listen, step number 1, try to take out common. 2 and 6 mein 2 is common. X plus y iske paas 3 powers hai. This has 3 powers, this has a single power, just a single one. टेक वन ऑफ द एंटायर ब्रैकेट, एक पूरा एक्स प्लस वाई कॉमन में निकालो बाहर। कॉमन लेने के बाद मेरी प्रथा है, टेंडेंसी है, आदत है कि मैं एक स्क्वायर ब्रैकेट बनाता हूं कॉमन लेने के बाद। टू निकल गया आउट, इसके पास तीन थे, ऐसे एक्स प्लस वाई इसके पास तीन थे, एक निकल गया, कैसे दो बचेंगे होल स्क्वायर। माइनस साइन, साइंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। सिक्स में से टू हैज बीन रिमूव्ड, बचेगा थ्री, बिकॉज टू थ्री इज़ सिक्स। और एक एक्स प्लस वाई तो यार ऑब्वियसली कॉमन में निकल गया था, सो इधर खाली थ्री बचेगा। सो माय आंसर विल बी टू एक्स प्लस वाई, ओपन द ब्रैकेट, ए प्लस बी द होल स्क्वायर फॉर्मूला, ये रहा ए प्लस बी द होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी एंड माइनस थ्री एज इट इज, दिस शुड बी माई फाइनल आंसर। दैट्स इट, कॉमन निकालो, जो भी बचा उसको ऐसे ही रहने दो। माई थर्ड क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज एक्स क्यूब टू एक्स माइनस थ्री वाई माइनस एक्स स्क्वायर इंटू टू एक्स माइनस थ्री वाई द होल स्क्वायर। कॉमन निकालने की कोशिश, एक्स क्यूब एंड एक्स स्क्वायर इसके पास तीन है, इसके पास दो है, तो ऑब्वियसली दो कॉमन निकलेंगे, बाहर निकालो। सो एक्स स्क्वायर कॉमन, व्हाट एल्स, टू एक्स माइनस थ्री वाई, टू एक्स माइनस थ्री वाई द होल स्क्वायर, तो एक पूरा ब्रैकेट विच इज देयर विथ बोथ ऑफ देम, दोनों के पास है तो कॉमन निकलेगा एक, तो टू एक्स माइनस थ्री वाई कॉमन, बस कॉमन निकालने के बाद एक स्क्वायर ब्रैकेट। आउट हियर, आउट ऑफ एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर वॉज कॉमन, आउट ऑफ थ्री दो कॉमन निकला, बचा कितना एक, तो कैन आई से एक्स रेज टू वन, दैट इज एक्स लेफ्ट आउट, ये तो कॉमन में निकल गया था, माइनस एक्स स्क्वायर वॉज टेकन आउटसाइड, दो में से एक पावर वॉज टेकन आउटसाइड, बचेगा 2x माइनस 3y, द वन विच इज लेफ्ट, जो बचा हुआ है उधर। सो यू हैव x स्क्वायर 2x माइनस 3y, ओपन द ब्रैकेट केयरफुली, माइनस है माइनस है, माइनस जब ब्रैकेट खुलता है तो द साइंस इंटरनली चेंजेस, सो माइनस 2x, केयरफुल, माइनस इनटू माइनस प्लस थ्री वाई, खत्म नहीं हुआ है दोस्तों, एक्स स्क्वायर टू एक्स माइनस थ्री वाई,
एक्स माइनस टू एक्स इज माइनस एक्स प्लस थ्री, दैट शुड बी माय फाइनल आंसर, राइट? प्रोसीडिंग विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोर्थ वन, या विल डू द फोर्थ वन, फोर्थ पे मैं आता हूं, दो मिनट ठहरो ना, पहले मैं फिफ्थ करता हूं, या फर्स्ट आई डू द फिफ्थ, देन आई जंप टू द फोर्थ क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज ए क्यूब प्लस ए माइनस थ्री ए स्क्वायर माइनस थ्री. ओके, व्हाट आई एम गोना डू इज ग्रुप्स, मेरा सेकंड रूल, जब भी चार टर्म्स होते हैं ना, तो ग्रुप्स ऑफ टू, दो दो की जोड़ी बनाने की, मेक अ पेयर ऑफ टू, सो आई कैन मेक द पेयर ऑफ द फर्स्ट टू एंड द लास्ट टू, कॉमन कॉमन, ट्राई टेकिंग आउट कॉमन. ए क्यूब एंड ए में वन ऑफ द ए इज कॉमन, तीन में से एक निकला बाहर, चला गया बाहर, दो बचे, तो आई थिंक ए स्क्वायर प्लस, इधर कुछ भी नहीं बचा, एक था बेचारा वो भी बाहर निकाला, तो यू शुड राइट वन, व्हेन नथिंग इज लेफ्ट एक लिखना पड़ता है. अच्छा, मेरा और एक रूल, मेरा नया कॉन्सेप्ट सुनो, व्हेन एवर जो भी साइन इधर होता है, व्हिच एवर साइन इज आउट हियर, आंख बंद करके सेम साइन नीचे डाल लो, सोचो मत ज्यादा. व्हाट इज कॉमन, थ्री इज कॉमन, बचेगा क्या ए स्क्वायर, और इधर कुछ नहीं बचेगा, मतलब वन. अभी मेरी बात ध्यान से सुनो, क्योंकि थ्री कॉमन निकला ना, तो इधर कुछ नहीं बचा, दैट मींस वन, आई जस्ट टोल्ड यू. नाउ लिसन, व्हेन यू टेक अ माइनस ना, माइनस माइनस माइनस, द इंटरनल साइन चेंजेस, तो ये माइनस का माइनस नहीं रहेगा, प्लस बनता है. ये रहा, जब भी तुम लोग माइनस कॉमन निकालते हो, तो अंदर का सबका साइन क्या होता है, चेंज होता है, सेम थिंग आता है, एंड डेफिनेटली ये दो ब्रैकेट्स शुड बी द सेम, सो आई कैन से ए स्क्वायर प्लस वन कॉमन, यू आर लेफ्ट विद ए माइनस थ्री, दैट शुड बी द आंसर. लेट्स गो ऑन विद द फोर्थ क्वेश्चन नाउ, फोर्थ क्वेश्चन पे जाता हूं. ओके, द क्वेश्चन इज टू इंटू टू एक्स माइनस फाइव आई into 3x plus 4y minus 6 2x minus 5y x minus y. Yeah, this is the question. Common, very simple, nothing great. Then you will ask me, sir, आपने पहले क्यों नहीं किया? क्योंकि जगह कम थी. Simple. हाँ, सुनो अभी. 2 and 6 में 2 is common. Out. 2 निकल गया. Bye bye. 6 में से 2 निकला, बचा 3, याद रखना प्लीज. द सेम ब्रैकेट दोनों के पास है, आउट, कॉमन निकालो, 2x माइनस 5y. तुम लोगों को पता है कॉमन का मतलब क्या? इट शुड बी देयर विद बोथ, दोनों के पास होना चाहिए, और क्लब होके साथ में एक ही बार निकलेगा, उसको कॉमन बोलते हैं. व्हाट इज लेफ्ट आउट, इधर बचा क्या? दिस इज गॉन, दिस इज गॉन, दिस इज लेफ्ट, तो बचेगा 3x प्लस 4y माइनस साइन. प्लीज साइन तो देखो, मेनी स्टूडेंट्स डोंट राइट साइन ओनली. आउट ऑफ 6, 2 गॉन, 2 इज गॉन आउट, 2 3 जा, 3 बचेगा. अरे यार, गो बैकवर्ड्स, पीछे जाओ, पीछे जाओ. 2 इंटू 3 विल गिव यू 6. 2x माइनस 5y तो कॉमन में निकल गया, इट्स गॉन आउट as a common, you are left with x minus y. Open the internal bracket carefully. 2 into 2x minus 5y, 3x plus 4y, careful, minus 3x, minus into minus plus 3y. 3x and 3x gets cancelled. You are left with 2 bracket 2x minus 5y, 7y plus 3, 4y plus 3y gives you 7y. अभी मेरी बात ध्यान से सुनो. जब टर्म अकेला होता है ना, अकेला, बेचारा अकेला है, तो उसको लाइफ में ना थोड़ा पहले आने देने का, उसको चांस देने का थोड़ा. सो जब भी कोई भी इंसान अकेला हो ना, थोड़ा उस पर रहम करने का. क्या करने का? रहम. रहम म्हणजे काय? अरे गेट इट अहेड यार, आगे लेके आओ, सिंपल. So get this ahead. It's a method of writing, please. So 2, just rearrange.
7y 2x minus 5y and you can club it. 2 sevens are, अरे ब्रैकेट मींस अ मल्टीप्लिकेशन ना, मल्टीप्लाई. 2 sevens are 14y 2x minus 5y. That should be my final answer. So, और एक इसमें तो मैंने दो दो रूल पढ़ा दिया. फर्स्ट रूल, whenever a term is alone, get it ahead, make it a habit. And second, जो भी साइन इधर है, blindly write it down, don't think. अगर माइनस है तो अंदर का साइन क्या होगा? चेंज. माइनस विल बिकम प्लस. रिमेंबर. ऑलराइट, सिक्स्थ क्वेश्चन पे जाते हैं स्टूडेंट्स. क्वेश्चन नंबर सिक्स. ऑलराइट, द क्वेश्चन इज 16 ए प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस 4 ए माइनस 4 बी. सिंपल, वेरी सिंपल. इसको देखो, इसके जैसा ही है, ठीक है ना. पहले दिस इज लाइक एक साथी है, ये जोड़ी है, नो इश्यूज. मेक दीज टूगेदर, साथ में लेके आते हैं. 16 ए प्लस बी द होल स्क्वायर. चलो, मैंने अभी पढ़ाया विद साइन माइनस, सोचने का नहीं, नीचे लेके आओ, ठीक है. व्हाट इज कॉमन? 4 इज कॉमन, ठीक है. व्हाट इज लेफ्ट? क्या बचेगा? ए बचा. ओए सुनो, If you take a minus common, do you remember अंदर का साइन चेंज होता है? Plus, what is left? B. 4 तो common में निकल गया था बाहर. And now, total. Out of 16 and 4, 16 and 4, 4 is common. And इसके पास 2 है. A plus B कितने हैं? 2 है. इसके पास 1 है. तो one of the A plus B outside. स्क्वायर ब्रैकेट, 16 में से 4 गया, 4 बचेगा एंड वन ऑफ द ए प्लस बी विल बी लेफ्ट आउट. माइनस 4 ए प्लस बी पूरा कॉमन में बाहर निकला, कुछ भी नहीं बचा. कुछ भी नहीं मतलब 1. सो लास्ट स्टेप, 4 ए प्लस बी, ओपन द इंटरनल ब्रैकेट, 4 ए 4 बी माइनस 1. दैट शुड बी माई फाइनल आंसर. सो गाइज, गो थ्रू दीज 5 questions. Question number 1 मैंने नहीं किया है, बच्चे जैसा सब है. Try by yourself. 20 में से हम लोग almost 15-16 जितने sums तो definitely करेंगे. So देखो ये, फिर हम लोग आते हैं next. Okay guys, the next question. Question number 7 अपने आप करना. पहले दो को connect करो, last दो connect. You make it easy. It's very easy sum. We start with the 7th, 8th are exactly the same. We start with the 9th question. 7th and 8th, again I am saying, connect the first two, last two, common nikalo, khatam, kuch nahi hai, 3 step ka sum, it's over. 9th se start karte hai. Mark this as a star sum, a good question. AB x square plus 1, simple do, plus x a square plus b square. Fine. Ye ra, fourth concept. जब भी ब्रैकेट दिखता है ना, ओपन द ब्रैकेट. फर्स्ट ओपन द ब्रैकेट, कम ऑन. ए बी एक्स स्क्वायर प्लस ए बी इंटू 1 विच इज ए बी प्लस एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स बी स्क्वायर. व्हेन देयर आर 4 टर्म्स, दो दो के ग्रुप्स बनाऊंगा. अभी बच्चे लोग क्या करते हैं सुनो, पूरे पागल. दे विल कनेक्ट द फर्स्ट टू and the last two. Okay. जब पहले दो कनेक्ट करोगे ना एंड यू टेक अ कॉमन, ये ही मिलेगा. अरे यार, इसको खोल के ये मिला तो इसको ऑब्वियसली when you connect it you will get back the same thing. हाँ, मतलब देखो मजा आएगा. इसको खोलने के बाद ये मिला, इसको कनेक्ट करके ये वापिस, खोलने के बाद ये वापिस, कनेक्ट करके ये, मतलब इसमें घूमते जाओगे जब तक है जान. हाँ, ऐसे नहीं करते. So, जब भी ऐसा प्रॉब्लम हुआ ना, कनेक्शन पेयरिंग शुड बी चेंज्ड. मतलब डोंट पेयर फर्स्ट सेकंड. माय रूल इज परफेक्ट. दो दो का ग्रुप्स बनाना पड़ेगा, पर सोचो, चेंज द ग्रुप, ग्रुप चेंज करो, कुछ भी डालो पर फर्स्ट दो मत डालो. कनेक्ट द फर्स्ट एंड द लास्ट, सेकंड एंड थर्ड. ग्रुप कनेक्शन का ग्रुप चेंजेस. सो आई विल हैव फर्स्ट एंड लास्ट में x कॉमन है, दोनों के पास x है,
b is also common. So I can take xb common. Bracket में क्या बचेगा? x is out, out. b is out. बचेगा ax. दो में से एक निकला तो एक बचेगा ना, प्लस प्लस साइन है. साइंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. x वॉज आउट, वन ऑफ द b वॉज आउट, बचेगा b. विच साइन इज देयर? ये सेम साइन लेना होता है, प्लस. वॉट इज कॉमन? आई थिंक a इज कॉमन. बचेगा ax, एक्स, एक ए कॉमन निकला तो ax बचेगा, प्लस b. हैज टू बी, द टू ब्रैकेट शुड बी द सेम. So my answer is ax plus b common bahar and the left out is xb plus a. A nice question where groupism is changed. Right, next question, the 10th one. The question is a square plus b minus ab minus a. A square plus b minus ab minus a. Okay, again if I group the first two and the last two, flop show pura. So groupism has to be changed. Vapis connect the first with the last, second and the third. Come on, help. A square and A में से एक A common, one of them. दो में से एक निकला, I think एक बचेगा. Which sign is this? Minus. A out, निकल गया. It was taken out. Nothing is left. Nothing मर्जे. Okay, from these two, what is this sign? Please tell me. Plus, to write down the same sign. B common hai. Idhar bachega one because kuch nahi bacha. B out ho gaya. Minus, B was out. A. Arey baap hai. Problem hai. Check. This is A minus one. This is one minus A. Agar main isko A minus one banata hu. Can I use this concept? A minus B, flip it to make it B minus A. Come on. So if this is 1 minus A, flip karo. A minus 1 hoga, to can I say bahar ka sign change hoga? So A bracket A minus 1, when you flip it, bahar minus A minus 1. Right? Aisa kyu kiya? The reason is, dono bracket ko mujhe same banana tha. So I can take common. So I thought, मैंने देखा कि यार almost they are equal, just flipping needs to be done. So now I can take a minus one common, बचेगा a minus b. That's it. Talking about the next question, which is the 11th. Star mark करो, it's a very good question. 11th sum. Many students ना make a mistake in this sum. इस sum में बहुत mistake करते हैं लोग. Question is, ax plus by the whole square plus bx plus ay the whole square. Just open the bracket formula. A plus b the whole square, a square plus b square plus 2ab. पहले का square plus दूसरे का square plus 2 times पहला दूसरा. That's how I go. Formula याद नहीं रहता है तो क्या हुआ? ठीक है ना? Check this now. Come on, slow on. It's going to be पहले का स्क्वायर, इट्स गोना बी स्क्वायर ऑफ बोथ, दोनों का स्क्वायर होगा ऑब्वियसली, पहला दोनों है ना, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस टू टाइम्स अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला टू टाइम्स ए बी दैट इज ए एक्स बी वाई प्लस कम ऑन ओपन दिस सेम वे पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर ओके क्वेश्चन में मेरे ख्याल से क्वेश्चन गलत लिखा है मेरे ख्याल से इधर माइनस होना चाहिए लेट मी चेक या दिस शुड बी अ नेगेटिव साइन ठीक है ना ये फॉर्मूला पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर माइनस टू ए एक्स बी वाई माइनस टू एक्स बी वाई प्लस टू एक्स बी वाई कैंसल्स आउट सो आई एम लेफ्ट आउट विथ ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर फोर टर्म्स आर रिमेनिंग दिस टू आर आउट ठीक है कनेक्ट फर्स्ट विद द लास्ट सेकेंड एंड द थर्ड
फर्स्ट लास्ट में व्हाट इज कॉमन, कैन यू सी एनीथिंग सेम सेम, एक्स स्क्वायर. सो इफ एक्स स्क्वायर इज कॉमन यू आर लेफ्ट आउट विद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस साइन. फ्रॉम द सेंटर टू वाई स्क्वायर इज कॉमन, यू आर लेफ्ट आउट विद सेम बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड सेम ब्रैकेट्स टेक आउट कॉमन, यू गेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. Nice question, 9th and 11th. Right, proceeding with the next question. Question number 12th. Again, a beautiful sum. Very nice question. A square x square plus bracket ax square plus 1x plus a. Rule is, jabhi bhi bracket hota hai, open the bracket. First open the bracket. So let's open the bracket. A square x square plus a x square multiplied. पहले board mass होता है. You can't say x plus a. Sorry. According to the board mass, brackets open multiply. X दोनों के साथ पहले multiply होगा. X will be actually when you open the bracket, x will be multiplied with both the terms. So it will be a x square into x, which will be a x cube. Plus 1x plus a. Connections. First two and the last two. Okay, connections common nikalo. One of the a is common. X cube and x square mein se x square is common. Idhar bachega a plus x. Best part kya hai pata hai? Isme se kuch bhi common nahi hai. Nothing. पहले तो विच साइन इज दिस प्लस, सो राइट डाउन प्लस. नथिंग इज कॉमन मींस कैन आई से वन इज कॉमन एंड बचेगा एक्स प्लस ए. दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए. यस इट इज सेम. प्लस हुआ तो थ्री प्लस टू कितना होता है, फाइव. टू प्लस थ्री कितना होता है, फाइव. मतलब इधर यू डू थ्री प्लस टू और यू डू टू प्लस थ्री. प्लस में तो आंसर सेम ही आता है ना. तो a प्लस एक्स एंड a प्लस एक्स और x प्लस a सेम ही हुआ. माइनस में देयर इज अ प्रॉब्लम. माइनस में इफ यू फ्लिप तो साइन चेंज होता है. प्लस में सेम ही रहता है. प्लस में डज नॉट मेक अ डिफरेंस. सो दिस इज एज गुड एज x प्लस a और a प्लस x. बचेगा ax एक्स स्क्वायर प्लस वन. राइट, सो दिस वॉज माई 12th क्वेश्चन फॉर यू. 13th question is 2a minus b the whole square minus 10a plus 5b. Come on, simple. It is same as 6th question. 6th ke jaisa hi hai ye sab. Please refer karo 6th question, jara refer karo. Same hai. Check. Don't do anything to this. Which sign is this? Minus. So minus. Out of both of them, what is common? 10 or 5 mein, 5 common hai. You are left out with 2. 5 2s are 10 hi hota hai na. 2a minus. Kyun? Kyun bolo? Idhar bahut sare log mistake karte. Samajhte hi nahi na. Samajhna hi nahi hai life mein. If you take a minus common, yaad hai andar ka sign change hota hai. Thak gaya bol ke, par nahi sudhrenge. 5 is common. B bachega. What is common from the two brackets? 2a minus b bracket. Iske paas aise do do the, do do. Ek nikal gaya, ek out, bahar gaya, ghumne. Bachega ek. And idhar minus 5. This was taken out as common. So this should be my answer. Next question. 14th is the same as 13th. Please try by yourself. To maine abhi tak I have not done the first sum, then I have not done 7th, I have not done 8th, and I'm not doing the 14th. मैंने क्या बोला कि 20 sums में से हम लोग साथ में 15-16 sums करेंगे. ये चार शायद और एक. Try it by yourself. They are very easy sums. Same as the above. कुछ अलग नहीं. So, हम लोग 15 सम पे जाते हैं. 15 भी सब सेम ही है, बट फिर इफ आई डोंट डू, सर ने तो किया ही नहीं.
15th is same as 12th, same as 12th. तुम लोग क्या करो, वीडियो को पॉज करो जरा, ट्राई करो अपने आप, एंड इफ यू आर नॉट गेटिंग फिर मेरा सॉल्यूशन देखो, ट्राई इट बाय योरसेल्फ. द 15th क्वेश्चन इज y स्क्वायर माइनस a प्लस b इनटू y प्लस ab, ठीक है ना. नाउ गाइस चेक ना, सेम ना, स्क्वायर ब्रैकेट सिंगल टर्म आउट. क्या किया था मैंने, ब्रैकेट खोला था. सेम यार, मल्टीप्लाई वाई विथ बोथ हेल्प माइनस है, केयरफुल माइनस ए वाई, अरे यार वाई इज मल्टीप्लाइड यार, एंड ओपन द ब्रैकेट माइनस ए वाई माइनस इनटू प्लस माइनस बी वाई. वाई को दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया, बट व्हेन यू ओपन द ब्रैकेट माइनस माइनस बोथ माइनस, उधर मिस्टेक करते हैं. देखो किया होगा, तुम लोग ने भी वही मिस्टेक किया होगा, जानता हूं मैं, आई नो योर फाइन. ग्रुपिज्म टू टू, फ्रॉम द फर्स्ट टू वाई कॉमन, दो में से एक निकला, एक बचेगा वाई माइनस ए विथ साइन माइनस, आंख बंद करके नीचे, नो थिंकिंग. बी कॉमन, जब बाहर माइनस होता है यू हैव टू बी केयरफुल, अंदर का साइन चेंज होगा. यस, यू आर लेफ्ट विथ वाई माइनस ए. सो फ्रॉम बोथ ऑफ देम वाई माइनस ए इज कॉमन, यू आर लेफ्ट विथ वाई माइनस बी. दैट शुड बी माय आंसर. सो गाइस गो थ्रू दीज क्वेश्चंस, पांच क्वेश्चंस और बचे फॉर द एक्सरसाइज टू गेट ओवर. प्रोसीडिंग विद द 16th क्वेश्चन, द 16th वन, अच्छा सा है, देखो अलग ही है. ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस टू, माइनस थ्री ए प्लस थ्री अपॉन ए. ओके गाइस नाउ लिसन, पहले तीन का कनेक्शन और लास्ट दो का कनेक्शन. यू विल आस्क मी सर पता कैसे चला, प्रैक्टिस. एक ही आंसर है, प्रैक्टिस. ये अलग अलग ही स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर आई हैड टोल्ड यू ऑल, देयर आर फ्यू सम्स जो कहां से भी निकल के किधर भी चले जाते हैं. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड हाउ व्हेन व्हाट एग्जैक्टली, जस्ट मे यू नो स्टार मार्क करो ऐसे सम्स को, दैट्स इट. फ्रॉम द फर्स्ट थ्री दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर, दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ ए माइनस वन अपॉन ए द होल स्क्वायर. ये वाला ओपन द ब्रैकेट, कम ऑन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी के बदले वन अपॉन ए, तो वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस टू. तीनों देखो, लुक एट दिस, लुक एट दिस, लुक एट दिस. आराम से जा रहा हूं, सुनो प्लीज. ए माइनस बी, बी के बदले वन अपॉन ए होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब वन अपॉन ए स्क्वायर, माइनस माइनस टू टाइम्स टू टाइम्स ए बी. तुम बोलोगे सर, ओ सर वेर इज ए वेर इज बी, बताता हूं सुनो ना. इंस्टेड ऑफ ए राइट ए, ए के बदले देखो देखो देखो, दिख रहा है हवा में, हाँ देखो, दिस इज ए ओनली. बी की जगह पे इंस्टेड ऑफ बी कैन यू राइट वन अपॉन ए, ए इज ए बी इज वन अपॉन ए, ए ए कट, ए ए कट, उसी से ये फॉर्मूला बनता है ए माइनस वन अपॉन ए द होल स्क्वायर. विच साइन इज इस, विच साइन टेल मी, माइनस, पुट माइनस. थ्री इज कॉमन, ब्रैकेट बचेगा ए, अंदर का साइन चेंज होता है बिकॉज माइनस इज कॉमन, वन अपॉन ए. सो ए माइनस वन अपॉन ए कॉमन, यू आर लेफ्ट विथ, दो में से एक निकला, ए माइनस वन अपॉन ए माइनस थ्री. टू स्टेप सम, बट कितना थॉट है इसके पीछे. नेक्स्ट क्वेश्चन, 17th क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई प्लस टू एक्स वाई. इवन दिस हाउ डू वी रिकॉग्नाइज, दिस इज अ सम विच इज बेस्ड ऑन परफेक्ट स्क्वायर, ऐसे टाइप का ही सम है. याद रखना, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, किसका प्रोडक्ट है, हुज प्रोडक्ट इज इट, एक्स वाई. दैट मीन्स इसके आगे
इट शुड बी एक्स स्क्वायर वाला टर्म और इसके पीछे देयर शुड बी वाई स्क्वायर वाला टर्म. इन ऑर्डर टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए ये टेक्निक है. इट्स सम टेक्निक, इट्स लाइक अ ट्रिक. व्हाट इज द ट्रिक? फाइंड आउट, सम में पहले देखो प्रोडक्ट कहां पे है, किसका प्रोडक्ट है, एक्स और वाई का प्रोडक्ट है. सो इन फ्रंट ऑफ दिस देयर शुड बी एक्स स्क्वायर एंड बिहाइंड दिस देयर शुड बी वाई स्क्वायर. हियर इट इज, है मेरे पास, इट्स अवेलेबल. सो एक्स स्क्वायर, फिर वो डालो और चलेगा. चलो ना, प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस सेंटर टर्म्स एज दे आर, दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर. ये रहा फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई, इजंट इट एक्स प्लस वाई द होल स्क्वायर फॉर्मूला. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई इज एक्स प्लस वाई द होल स्क्वायर. यू कैन क्लब देम, एक्स प्लस वाई, सो आई कैन टेक एक्स प्लस वाई कॉमन. कॉमन लेने के बाद दो में से एक गया, बचेगा एक, कुछ भी नहीं बचा, वन. दैट शुड बी द आंसर. फाइन, 17 क्वेश्चन, 18 सॉरी, सेम वैरायटी ऑफ सम. इट इज ए स्क्वायर प्लस फोर बी स्क्वायर माइनस थ्री ए प्लस सिक्स बी माइनस फोर ए बी. कम ऑन, देखो नजर से देखो, विचारो, सोचो, थिंक. वेयर कैन यू सी द प्रोडक्ट? मल्टीप्लीकेशन किसका है? ये रहा, मल्टीप्लीकेशन इज बिटवीन ए एंड बी. ए का कनेक्शन और बी का कनेक्शन है, जोड़ो साथ में, हेल्प. इसके आगे ए स्क्वायर होना चाहिए, इसके पीछे बी स्क्वायर आना चाहिए. सो कैन आई से ए स्क्वायर प्लस फोर बी स्क्वायर माइनस फोर ए बी एंड सेंटर टर्म्स माइनस थ्री ए प्लस सिक्स बी. कनेक्ट दिस एंड दीज टू, दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर. वो रहा, इट इज ए माइनस टू बी, स्क्वायर रूट इज टू बी. ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज ए, देर इज अ माइनस साइन, सो ऑब्वियसली देर हैज टू बी अ माइनस. स्क्वायर रूट ऑफ दिस टर्म इज गोइंग टू बी टू बी द होल स्क्वायर. विच साइन इज दिस? माइनस. सो टेक अ माइनस कॉमन, थ्री इज ऑल्सो कॉमन, यू आर लेफ्ट विथ ए माइनस टू बी. अगेन ए माइनस टू बी कॉमन, यू आर लेफ्ट विथ ए माइनस टू बी माइनस थ्री. That's the answer. 19th question is mx minus 3y plus n3y minus x plus 5x minus 15y. Okay. From the last, can I take a minus 5 common? 15 and 5 mein 5 is common. X minus 3y. Suno. This is x minus 3y. This is 3y minus x. Ulta hai na? So can I flip it? Minus hai. Minus mein when you flip, a minus comes outside. So minus n flip x minus 3y. कौन सा साइन है? माइनस, नो चेंजेस. 5 कॉमन, ये क्वेश्चन मैंने गलत लिखा है शायद, ठहरो, या दिस शुड बी प्लस. सी, वो पता चल जाता है क्योंकि व्हेन यू टेक कॉमन ना ऑल द ब्रैकेट शुड बी द सेम. सो बाय चांस इफ यू राइट अ क्वेश्चन रॉन्ग इन द एग्जाम यू शुड कम टू नो, बी स्मार्ट. सो प्लस 5, प्लस है तो प्लस, प्लीज. Same sign, 5 common, x minus 3y. From all of them, तीनों में से क्या common है? बाहर निकलेगा साथ में, x minus 3y बाहर निकलेगा साथ में. What is left? This is whole square. x minus 3y out, out, out. Left is m. दो में से एक बाहर चला गया, one will be left out. माइनस एन, ये तो बाहर निकला कॉमन में, प्लस 5, दिस वॉज आउटसाइड एज अ कॉमन.
So you have x minus 3y, open the bracket, mx minus 3my minus n plus 5. And that should be the answer. Talking about the last question of this exercise, 20th sum. Simple. X, 6x minus 5y minus 4, 6x minus 5y the whole square. Common. 6x minus 5y, one of them is common. You are left with x minus 4, bracket, do me se ek nikla to ek bachega. 6x minus 5y. Fine, and the last step. 6x minus 5y. X minus 4 6 are minus 24x minus into minus plus 20y. One more step can be carried out or x step kar sakte ho. 6x minus 5y, x minus 24x is minus 23x plus 20y. That should be the answer. So guys, with this we complete our first exercise, the A exercise. Thoroughly dekho, phir jaate hai B pe. Proceeding with the B exercise, it's about splitting up of middle term. Thak gaya hum ye karke solve mein. Eighth mein there were so many questions based on splitting of middle term. Right? So whenever there is a trinomial ka matlab, when there is a quadratic equation, teen terms honge, where x or y, whichever alphabet it is, usme square hoga, square. So maximum power in the question will be 2. For example, question ऐसे प्रकार का होगा, ऐसे type का होगा, ax square plus bx plus c, where the maximum power or the degree or the index बोला जाता है of the variable is 2. We call this as a trinomial. Tri मतलब तीन, nomial मतलब 3 terminologies, तीन terms वाले sum है. कैसे करने के? Let's go ahead with this. You know, तुम लोग को ये आता है actually. Naam nahi pata hai, but you know it. So let's start with the first question of the B exercise in factorization chapter. A square plus 10A plus 24. A square plus 10A plus 24. Fine. Can I say, ek dabba banane ka pehle. Kya banane ka? Dabba. I call it as a dabba method. Okay. In that box, product mein, you want first term जो है ना first term a square उसका coefficient का मतलब उसके बाजू में जो constant है जो value है जो number है जो digit है वो कौन है कोई नहीं है किसका जिसका कोई नहीं है उसका भगवान मतलब one एक सबका मालिक एक हाँ तो there is one so this is one into 24 so can I say the product is 24 And the sum मतलब बीच का term का coefficient. Center term का coefficient is plus 10. Signs are very important. मतलब क्या? ऐसे दो numbers बताओ. Whose product multiplication will be 24 and whose addition will be 10. Can I say 6 4s are 24 and 6 plus 4 is 10. Perfect. So never touch the first term, never touch the last term, कभी भी नहीं. Center term को तोड़ते हैं, इसी को बोलते हैं splitting of middle term का split up. कैसे split up किया? 6 and 4 में. ऐसा लिखोगे ना, मैं तुम लोग को minus दे दूँगा. 6 and 4 are my values, but write it complete. 10a can be written as 6a and 4a. कनेक्ट दो-दो का ग्रुप फिर कुछ नहीं है टेक ए कॉमन यू आर लेफ्ट विथ ए प्लस 6 सेम साइन प्लस 4 कॉमन यू आर लेफ्ट विथ ए प्लस 6 सो माय आंसर इज ए प्लस 6 ए प्लस 4 दैट्स इट सेकंड क्वेश्चन ए स्क्वायर माइनस 3 ए माइनस 40 कम ऑन स्टूडेंट्स हेल्प आई वांट सम सपोर्ट फ्रॉम यू प्रोडक्ट 1 into minus 40, sum should be minus 3. Signs are pretty crucial.
सिर्फ प्रोडक्ट पे ध्यान दो, सिर्फ फोकस ऑन प्रोडक्ट. गिव मी टू नंबर्स हुज मल्टीप्लीकेशन इज 40. माइनस को भी गोली मारो फॉर सम टाइम. प्रोडक्ट इज 40, 8 फाइव जा, टू गेट अ माइनस 3, माइनस 8 प्लस 5 विल गिव यू माइनस 3 ऑल्सो. सो आंसर इज ए स्क्वायर माइनस 8a प्लस 5a माइनस 40. टू टू का ग्रुप्स, a कॉमन a माइनस 8 प्लस सेम साइन 5 कॉमन a माइनस 8. सो माय आंसर इज a माइनस 8 a प्लस 5. नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप आई एम नॉट गोइंग फास्ट, इजी क्वेश्चंस है, 7 8 दोनों में किया है ये सब. ऑलराइट, थर्ड क्वेश्चन अपने आप ट्राई करना प्लीज, मैं फोर्थ करता हूं. ओके, थर्ड में मैं आंसर हिंट बताता हूं. द स्प्लिट अप विल बी 1 3 जा, 3 इनटू 1 आर ओनली द स्प्लिट अप्स. फोर्थ, x स्क्वायर माइनस 3ax माइनस 88a स्क्वायर. डरने का नहीं, सिंपल है, चेक, सेम प्रोसीजर, सेम प्रोसेस. प्रोडक्ट इज 1 इंटू माइनस 88, माइनस 88, सम शुड बी माइनस 3. कैन आई से 11 8 जा 88, टू गेट अ माइनस 3 इट शुड बी माइनस 11 एंड प्लस 8. तो माइनस 11 प्लस 8 माइनस 3 भी मिलता है, एंड व्हेन यू मल्टीप्लाई देम आंसर इज माइनस 88 ऑल्सो. सो माय आंसर इज नेवर टच द फर्स्ट, नेवर टच द लास्ट, नेवर. माइनस 3 ए एक्स है, बीच में ए एक्स भी है. सो माइनस 11 ए एक्स प्लस 8 ए एक्स. ग्रुपिजम्स, x कॉमन x माइनस 11 ए प्लस 8 ए कॉमन x माइनस 11 ए. सो माय आंसर इज गोइंग टू बी x माइनस 11 ए x प्लस 8 ए. दैट्स इट. क्वेश्चन नंबर 5, फिफ्थ क्वेश्चन. 6a स्क्वायर माइनस a माइनस 15. कम ऑन स्टूडेंट्स, ब्रैकेट बॉक्स प्रोडक्ट में 6 इंटू माइनस 15 इज माइनस 19, सम में माइनस कुछ भी नहीं, मतलब माइनस 1. फोकस खाली प्रोडक्ट पे होना चाहिए फिलहाल. 90 चाहिए, 10 9 सा 90, करेक्ट. माइनस 1 लाने के लिए कैसे खेलोगे इसके साथ टू गेट अ माइनस 1. माइनस 10 प्लस 9, माइनस 10 प्लस 9 इज माइनस 1 एंड इसका मल्टीप्लीकेशन विल गिव यू माइनस 90. सो फर्स्ट टर्म रिमेन्स इंटैक्ट, लास्ट टर्म रिमेन्स इंटैक्ट. इट विल बी माइनस 10 ए प्लस 9 ए. ग्रुप, 6 एंड 10 में 2 कॉमन a कॉमन, यू आर लेफ्ट विथ 3a माइनस 5. प्लस है तो सेम साइन आता है. 9 एंड 15 में 3 कॉमन, यू आर लेफ्ट विथ 3a माइनस 5. सो माय आंसर शुड बी 3a माइनस 5, 2a प्लस 3. दैट शुड बी द आंसर. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, नाइस क्वेश्चन. 24a स्क्वायर प्लस 24a क्यूब प्लस 37a स्क्वायर माइनस 5a. मेनी स्टूडेंट्स ना इधर आके अटक जाते हैं, सर क्या करने का. वो लोग अपने बेसिक्स भूल चुके हैं. स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर व्हाट डिड आई टेल यू, डिडंट आई से फर्स्ट स्टेप कोई भी सम में, कोई भी सम में कॉमन निकालने का रहता है. कॉमन, ये सम्स में नथिंग कुड हैव बीन टेकन कॉमन, कुछ कॉमन नहीं निकलता है. इसमें Yes. सबके पास a है, चेक करो, एवरी वन हैज a. सो कैन आई टेक a कॉमन बाहर. ब्रैकेट्स में यू आर लेफ्ट विद 24a स्क्वायर प्लस 37a माइनस 5. एंड नाउ यू कैन यूज द डब्बा मेथड. प्रोडक्ट इज 24 फाइजा माइनस 120, सम शुड बी 37. मल्टीप्लाई द फर्स्ट एंड द लास्ट, 24 इंटू माइनस 5 इज माइनस 120 एंड सम इज 37.
ब्रेकअप 120 कैन बी रिटन एज 43 जा प्लस 40 माइनस 3 विल गिव यू प्लस 37. ये ए जो बार है कुछ भी मत करो इसका एज इट इज. फर्स्ट टर्म सेम, लास्ट टर्म सेम. कम ऑन, माइनस 3a प्लस 40a. सो ए ब्रैकेट्स 3a कॉमन, 8a माइनस 1 प्लस 5 8a माइनस 1. So you get a bracket 8a minus 1 common 3a plus 5. Right. Next question. Seventh question, please try by yourself. Bracket खोलो, it becomes a basic kiddish बच्चे जैसा सा. Seventh. तो मैंने तुम लोग के साथ third और seventh नहीं किया है. It's as a self study. Third question, seventh, try by yourself. We'll proceed with the 8th question. Same A sub. A square B square plus 8 AB minus 9. पर ऐसा सब आता है ना तो स्टूडेंट्स डर जाते हैं. और क्या है, कुछ नहीं है, देखो कुछ भी नहीं. Hopeless it is. Check. Product. See the digits. 1 into minus 9. Sum. कौन है sum? Plus 8. Which वाला? Just focus on the product. 9. Can I say 9 ones are 9? 9 ones are 9. To get a plus 8, plus 8. Bigger number, bada number positive hona chahiye plus lane ke liye. Chota number negative. So 9 minus 1, 8 bhi aata hai. Aur isko multiply karoge to product minus 9 bhi aata hai. So first term remains the same, last term remains the same. बीच वाला टर्म है ए बी, ए बी इसको तोड़ना है. ए बी ए बी ए बी. सो दिस विल बी माइनस वन ए बी माइनस ए बी प्लस नाइन ए बी. ए बी कॉमन बचेगा ए बी माइनस वन प्लस सेम साइन नाइन कॉमन. यू आर लेफ्ट विथ ए बी माइनस नथिंग, नथिंग मीन्स वन. सो ए बी माइनस वन ए बी प्लस नाइन. That should be the answer. Ninth one. 3 minus a 4 plus 7a. First open the bracket. Board mass, multiplication, bracket open. 3 minus a into 4 minus 4a minus a into 7a minus 7a square. Again, product 3 into minus 7 is minus 21. Sum, center term, minus 4. दो पार्ट में तोड़ो. 21 पे फोकस होना चाहिए. 7 3 is 21. Minus, minus 4 लाने के लिए bigger number should be negative, smaller should be positive. First term, last term. सेंटर टर्म ए के साथ है, ए की जोड़ी के साथ है. सो इट्स गोना बी प्लस 3a माइनस 7a. ग्रुप्स, दो दो के ग्रुप्स. सो आई गेट 3 कॉमन बचेगा 1 प्लस a, माइनस है तो माइनस कॉमन. 7a कॉमन, 7 एंड इवन a इज कॉमन, बचेगा 1 प्लस a. सो यू आर लेफ्ट विथ 1 प्लस a 3 minus 7. Right. Okay, going on with the 10th question. 10th question pe aate hai. Star mark karo. Brilliant question. Superb question. The question is, 2a plus b the whole square minus 6a minus 3b minus 4. Kaise karne ka isa? कुछ दिख रहा है कॉमन, सोच, दिमाग लगा, दिमाग. दिस वन, व्हाट इज कॉमन? माइनस, पहले तो आई एम टायर्ड एंड मैं थक गया हूं, मैं गिव अप कर लूंगा तुम लोग को नहीं आया तो. सेम साइन, फाइन. सिक्स एंड थ्री में थ्री कॉमन है. इधर यू आर लेफ्ट विद टू ए, माइनस कॉमन अंदर का प्लस बी,
माइनस फोर. तुम लोग को याद, कुछ घंटे पहले आई हैड गिवन यू अ लिस्ट ऑफ रूल्स. रूल्स में मैंने लिखा था एक ऐसा पॉइंट था नेम द सेम, जो मैंने समझाया ही नहीं था अभी तक, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट सम ऑन दिस कॉन्सेप्ट नेम द सेम. व्हाट डू यू मीन बाय नेम द सेम? सेम जो होता है ना उसको नाम दो. द वन विच इज द सेम यू गिव इट अ नेम. मतलब हु इज सेम? दीज बोथ आर सेम, उसको नाम दो. पुट, नेम इट. पुट 2a प्लस बी एस एक्स, नाम देके चलते. चल तो जिधर जिधर 2a प्लस बी दिख रहा है उधर उधर x डालो. सो दिस इज गोइंग टू बी x स्क्वायर माइनस 3x. ए कम ऑन, 2a प्लस बी के जगह पे x आया, माइनस 4. प्रोडक्ट इज माइनस 4, सम इज माइनस 3. प्रोडक्ट 4 पे गौर फरमाओ, 4 चाहिए ना, तो 4 वन जा 4 टू गेट अ माइनस 3, माइनस 4 एंड प्लस 1. सो आई गेट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1x माइनस 4, एक्स कॉमन x माइनस 4 प्लस नथिंग कॉमन, तो 1 कॉमन x माइनस 4. माय आंसर विल बी x माइनस 4 x प्लस 1 नहीं चलेगा, नहीं. क्वेश्चन ए और बी में है. अगर क्वेश्चन इज इन द फॉर्म ऑफ ए बी तो मेरा आंसर भी शुड बी इन द फॉर्म ऑफ ए बी. अरे क्वेश्चन ए बी में है और आंसर एक्स में, ये कहां का सिस्टम है? नहीं चलता है. सो मुझे रीसब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा एक्स के जगह पे. वापिस कैन आई पुट अगेन, पुट बैक 2a प्लस बी. सो वंस अगेन एक्स के जगह पे इधर 2a प्लस बी माइनस 4, एक्स के जगह पे इधर 2a प्लस बी प्लस 1. दैट शुड बी माय आंसर. सो याद रखना, डोंट फॉरगेट टू रीसब्स्टिट्यूट. एंड दूसरी चीज, जो भी ब्रैकेट्स यू फील के यार ये तो डिट्टो सेम है, उसको एक नामकरण दो, नेम इट, एंड मे वी हैव टू रीसब्स्टिट्यूट इट. सो दिस वॉज वन डिफरेंट सम, 3-star सम. मार्केट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो गो थ्रू दीज क्वेश्चंस. फिर हम लोग और 5 सवाल बाकी है. वी शॉल डू दोज 5 क्वेश्चंस टू एंड आर बी एक्सरसाइज. 11th क्वेश्चन, 1 माइनस 2a माइनस 2b, इट्स ऑलमोस्ट सेम एज व्हाट वी हैव डन. 1 माइनस 2a माइनस 2b माइनस 3a प्लस b द होल स्क्वायर. सिर्फ वो थोड़ा देखने का तरीका बदलो, थोड़ा सोचो यार. Exactly, 10th question जैसा ही है. You can make a connection between these two. दिख रहा है ना, थोड़ा बहुत तो जोड़ी कुछ दिख रहा है. What is common? Minus and 2, both are common. अंदर का sign change होगा. Left out will be a plus b. Minus 3, a plus b the whole square. Can I say name the same? नेम द सेम मतलब सेम दिखा, नाम दो, अभी किया था. पुट ए प्लस बी एस एक्स, नाम दो. पुट ए प्लस बी को एक्स नाम देके चलते हैं. सो आई विल हैव 1 माइनस 2 टाइम्स एक्स माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स स्क्वायर. अभी मैं डब्बा नहीं बनाता हूं, बड़े हो गए तुम लोग. हाँ, 1 इंटू माइनस 3 प्रोडक्ट में माइनस 3 चाहिए, सम में माइनस 2 चाहिए. 3 पे फोकस करो. व्हाट इज आर 3? 3 वन जा 3 टू गेट अ माइनस 2, इट शुड बी माइनस 3 एंड प्लस 1. सो इट विल बी प्लस एक्स माइनस 3x माइनस 3x स्क्वायर. 1 कॉमन बचेगा 1 प्लस एक्स, माइनस 3x कॉमन बचेगा 1 प्लस एक्स. So my answer is 1 plus x bracket 1 minus 3x. Resubstitute. X ke badle wapis a plus b dalo. Instead of x it will be a plus b. 1 minus 3 bracket a plus b. Come on, open the bracket.
फाइनल आंसर 1 - 3a - 3b, दैट शुड बी द आंसर. प्रोसीडिंग विद द नेक्स्ट 12th क्वेश्चन. 12th वाला प्लीज ट्राई बाय योरसेल्फ, सेम क्वेश्चन जस्ट रीअरेंज करके लिखो. -2a को पहले लिखो एंड -1 शुड बी एट द एंड. द रीजन इज डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, ओके, और असेंडिंग ऑर्डर, मतलब पहले एक्स स्क्वेयर, फिर x टू द पावर 1 एंड देन नथिंग. दिस इज कॉल्ड असेंडिंग ऑर्डर और यू कैन हैव इट इन द डिसेंडिंग ऑर्डर. सो 12 सम यू जस्ट हैव टू रीअरेंज सेम क्वेश्चन, वेरी सिंपल. 13 पे जाते हैं, नाइस क्वेश्चन. स्टार एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 2a, कनेक्ट द फर्स्ट 3 एंड द लास्ट 2. ये तीन में इट इज स्प्लिटिंग अप ऑफ मिडिल टर्म. प्रोडक्ट में यू वांट 2, सम में यू वांट 3. प्रोडक्ट में 2, 2 वन्स आर 2, एक ही ऑप्शन है, 2 वन्स आर 2 एंड 2 प्लस 1 3 भी मिलता है. सो फर्स्ट टर्म कुछ मत करो, लास्ट टर्म कुछ मत करो. माय ब्रेकअप्स आर 2 एंड 1, सो इट विल बी प्लस 1x प्लस 2x. इसमें से a कॉमन, बचेगा x प्लस 2. सो यू हैव x कॉमन, या x कॉमन, x प्लस 1 प्लस 2 कॉमन, x प्लस 1. ये थोड़ा मेसी लग रहा है, ए एक्स प्लस 2 ए, राइट? ओके ओके, सो ए कॉमन एक्स प्लस 2, ठीक है, फाइन. इट शुड बी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, 2 वन्स आर प्रॉपर, तो है, प्रॉपर तो लग रहा है, ठीक है. फ्रॉम बोथ ऑफ देम एक्स प्लस 1 कॉमन, यू आर लेफ्ट विथ एक्स प्लस 2 प्लस ए डॉट एक्स प्लस 2. इसमें से और इसमें से यू कैन टेक एक्स प्लस 2 कॉमन, बचेगा एक्स प्लस 1 प्लस ए. And that should be my answer. Right. 14th. 14th also same as 10th, same as 11th, ek jaisa hai. 14th question is 3x minus 2y the whole square plus 3x minus 2y minus 10. Direct hai. Same bracket dikh rahe hai. नामकरण, नेम द सेम. पुट 3x माइनस 2y एज a. x मत डालो ना, क्योंकि x एंड y आर ऑलरेडी देयर, तो कुछ और डालो a. सो यू गेट, इसके पूरे की जगह पे इट विल कम आउट टू बी a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 10 स्प्लिट अप. प्रोडक्ट 10, सम 3, 5 टू जा 10, 5 2 प्लस 3 चाहिए, तो प्लस 5 माइनस 2, 5 टू जा 10 मिला, 5 माइनस 2 3 मिलेगा. सो इट विल बी प्लस 5a माइनस 2a, a कॉमन a प्लस 5, सेम साइन माइनस 2 कॉमन, अंदर का साइन चेंज, a प्लस 5. सो यू गेट द आंसर एज a प्लस 5 व्हिच इज कॉमन, a माइनस 2. रीसब्स्टिट्यूट, a के जगह पे 3x माइनस 2y, सो दिस विल बिकम 3x माइनस 2y प्लस 5, 3x माइनस 2y माइनस 2. लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स ऑफ दिस एक्सरसाइज, उसके बाद वाला जो पार्ट है ट्राई बाय योरसेल्फ 16th. मोस्टली इट इज एन ओमिटेड पार्ट, सो इवन इफ यू डोंट डू इट इज ओके. सो 15th क्वेश्चन पे जाते हैं. मार्क दिस एज अ डेंजरस सम, ऐसे थोड़ा ऐसे खोपड़ी जैसा बना दो, हस्ती खोपड़ी डेकोरेशन. 15th क्वेश्चन, 5
माइनस 3a स्क्वायर माइनस 2a, 6 माइनस 3a स्क्वायर प्लस 2a। पथेटिक सम, ऐसा क्लिक होना बहुत डिफिकल्ट है, तो यू रिमेंबर दिस एज अ खोपड़ी सम। लिसन, नेम द सेम ही है, कुछ नया नहीं है मार्केट में। चेक दिस, मैं सोच रहा हूं इसको एक नाम दूं, x। सोच अच्छी है, बट डिटो एग्जैक्टली सेम। तुम बोलोगे सर ये रहा, नहीं नहीं, आंख खोलो आंख खोलो, दिस इज 3a स्क्वायर माइनस 2a, दिस इज माइनस 3a स्क्वायर प्लस 2a। साइंस अलग है, साइंस अलग है देवा। अगर साइंस अलग होती है तो मैं क्या करता हूं, मैं माइनस कॉमन लेता हूं। कम ऑन यार, अगर इफ यू रिमेंबर, इफ आई वांट टू चेंज द साइंस, अगर मुझे साइंस चेंज करनी है तो कैन आई टेक अ माइनस आउटसाइड। फाइव, डोंट टच ऑल दीज थिंग्स, ये प्रॉब्लम नहीं है, अभी सुनो। सिक्स, आई एम नॉट गोइंग टू टच सिक्स, ठीक है ठीक है। ये दोनों में से फ्रॉम दीज टू टेक अ माइनस कॉमन एंड मेक अ ब्रैकेट। इफ आई टेक अ माइनस आउटसाइड एंड मेक अ ब्रैकेट, अंदर का साइन चेंज होगा, 3a स्क्वायर माइनस 2a, माइनस विल बिकम अंदर प्लस, प्लस विल बिकम अंदर माइनस। नाउ अभी मुझे दोनों डिट्टो सेम दिख रहा है, डिट्टो ये वाला और ये अंदर वाला, डिट्टो सेम, नेम इट, पुट 3a स्क्वायर माइनस 2a एस x। आराम से डालो, इट्स अ डिफिकल्ट सम। 5 माइनस, इसके जगह पे x डाला मैं, मल्टीप्लीकेशन है, बॉडमास। 6 माइनस x, ओपन द ब्रैकेट, 5 एज इट इज, बॉडमास फर्स्ट मल्टीप्लाई, माइनस x इंटू 6, माइनस 6x, माइनस x इंटू माइनस x, माइनस इंटू माइनस प्लस, x इंटू x, x स्क्वायर। ये असेंडिंग ऑर्डर है, चलेगा। प्रोडक्ट में चाहिए 1 इंटू 5, प्रोडक्ट में 5 चाहिए, सम में आई वॉन्ट माइनस 6। टू गेट अ 5 एज अ प्रोडक्ट, 5 वन जा 5, एक ही ऑप्शन है। माइनस 6 लाने के लिए माइनस 5 माइनस 1 इज माइनस 6, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म। ये हो जाएगा माइनस 5, बट अल्फाबेट के साथ लिखना होता है। टेक अ 5 कॉमन, 1 माइनस 6, सेम माइनस 6 कॉमन, 1 माइनस 6, so you get 1 minus x, 5 minus x, re-substitute, वापिस डालो, who is x, 3a square minus 2a, 1 minus, 3, minus है तो ध्यान से, 3a square minus minus plus 2a, 5 minus this term, careful, बाहर minus है, दोनों का sign change होगा, so minus 3a square plus 2a, राइट दिस इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर्स, माइनस 3a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1, माइनस 3a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 5। सम तो अभी चालू हुआ है, सुनो, दिस इज अगेन, अरे बाप रे, कुछ बच्चे को समझ गया, कुछ बच्चे रो रहे होंगे, सर मुझे नहीं करना है सम, करो चुपचाप, सुनो। You can see again, this is splitting up of middle term. वापिस, ऐसा पूरा वापिस दोनों के लिए. But is it possible? Let's check. Product में चाहिए minus 3, sum में चाहिए plus 2. Is it possible? That's the question. Product में I want minus 3, sum में I want plus 2. Can I say 3 ones are plus 3 minus 1? Yes. इसको वापस स्प्लिट अप करना पॉसिबल है, खतरनाक। इधर प्रोडक्ट में आई वांट माइनस 15, सम में आई वांट प्लस 2, 5 थ्री जा
टू गेट प्लस टू शिट, ये भी पॉसिबल है. मतलब ये वापिस दिस विल बी लाइक वन मोर स्प्लिटिंग अप ऑफ मिडिल टर्म, दिस विल अगेन बी वन मोर स्प्लिटिंग अप ऑफ मिडिल टर्म. मतलब एक ही सम में तीन बार स्प्लिटिंग अप ऑफ मिडिल टर्म. एक बार तो किया ये रहा. नाउ लेट्स गो ऑन विद दिस एंड देन दिस. सो दिस इज लाइक थ्री इन वन सम, तीन सम एक ही में. कम ऑन लेट्स स्टार्ट द शो. फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म, उसलिए उसको खोपड़ी सम बोला जाता है. सो इसका ब्रेकअप इज 3a एंड माइनस 1a, सो प्लस 3a माइनस 1a. और इसका ब्रेकअप ये रहा 5 एंड माइनस 3, सो माइनस 3 प्लस 5. कम ऑन मेक ग्रुप्स. From the first two, I can take a minus 3a common. Bachega a minus 1, sign changes. Minus kuch bhi common nahi hai, toh 1, bachega a minus 1. A minus 1, minus 3a minus 1. Come on, take a minus 3a common, bachega a plus 1, plus 5 common, bachega a plus 1. So you get a plus 1 and minus 3a plus 5. So my answer will be a minus 1, a plus 1, minus 3a plus 5. Check this. Ye dono mein se you can again take a minus common. Bahar niklega, 3a plus 1 bachega. Andar ka dono ka sign change, that minus came outside. You can leave this as the answer. पीछे कुछ और आंसर भी दे सकते हैं इसको फ्लिप करने के बाद. छोड़ो वो सब करने जाओगे बुढ़ापा आ जाएगा. So this can be accepted as an answer. It's a perfect answer. Dangerous sum in which ऐसा क्लिक होना चाहिए कि दो दो बार स्प्लिटिंग अप करना है. इवन दिस वॉज अ वेरी पथेटिक सम. पांच टर्म्स में से किसको ग्रुप करना आसान नहीं है. प्रैक्टिस से आएगा अगेन आंसर. ओके इसमें भी ऐसा ऐसा सोच डालनी कि यार ये दोनों को कनेक्ट करने के बाद नेम द सेम होता है. सो दीज सम्स आर डिफिकल्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स. क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 प्लीज गिव स्पेशल अटेंशन. तीन चार बार घिसो तब जाके वो हाथ बैठेगा, दिमाग में वो थॉट्स आएंगे. राइट, गो थ्रू दिस. जाते हैं इसके बाद अपने सी एक्सरसाइज पे.